गाइस डे टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने आर्टिकल ही एनडीए 500 से पढ़ाया। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, अभी जो इस किताब में लिखा हुआ मैं कोशिश करता हूँ उतना पढ़ाने का, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, और आपको वो ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में जो ये बुक चर्चा कर रहा है इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहिए था इस किताब को, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसे इन्होंने ऐड करा है कि कहाँ पर हमें ए लगाना चाहिए, कहाँ पर एन लगाना चाहिए, लेकिन जो फ्रेजेस थे उसको नहीं मेंशन करा, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ था मैंने जो पीछे आपको बताया एडजेक्टिव का यूज करके वो सारा मेंशन नहीं करा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है किताब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे इसको बनाते चलेंगे और इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको डाल देंगे जिससे आप लोग घर बैठकर अभ्यास करेंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। आपको मैंने बताया इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल कौन आता है डिफिनिट में? द, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक बात हमें बता दो, ठीक है, कि कुछ टीचर हमें कहते हैं कि जो द बोला करो बेटा, कोई टीचर हमें बोलते हैं दी बोला करो बेटा, ठीक है, हम सर कन्फ्यूज हो जाते हैं सर, कई बार तो हमें हर हमेशा बोला जाता है दी बोलो, ठीक है। देखिए आज का जो है ना ये सेशन, ये क्लास आपका, ये सारा जो पर्टिकुलर कन्फ्यूजन है दी हमेशा दी, ये सारा दूर कर देगा, ठीक है। कैसे दूर करेगा, इसे नोट भी करते चलना। देखो दोस्तों द आप तब उच्चारण करेंगे जब आप किसी कॉन्सोनेंट के पहले यूज कर रहे हैं द को। जैसे उदाहरण में बोल दूं, जैसे द द बॉय, ठीक है, उदाहरण के रूप में बोल दूं द गर्ल, ठीक है, इसके पहले द, मतलब सर कि अगर उच्चारण में कॉन्सोनेंट आपको आ रहा है तो उसके पहले द बोलेंगे, उसके बाद सर तो दी कब बोलेंगे, तो अगर उच्चारण में वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है, जैसे कि एंट, एंट में आपका वॉवेल का अक्षर आ रहा है, इसके पहले हम द लगाना चाहते हैं तो द, द नहीं दी, दी एंट, क्या पढ़ेंगे दी एंट, ठीक है। अगर एलिफेंट है तो उसके पहले भी दी लग सकता है क्योंकि एलिफेंट के पहले एन लगता है, ये वॉवेल है, तो क्या पढ़ेंगे दी एलिफेंट। तो वॉवेल के पहले अगर आप लगाना चाहते हैं द तो उसको दी पढ़ेंगे, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे हैं तो द पढ़ेंगे, ठीक है, और दी हमेशा भी पढ़ सकते जब हम उस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों कई बार मैंने टीचर लोग को भी देखा है जैसे दी एंड प्रनाउंस करते हुए, मुझे कई बार तो ये सोच लगता है कि ये कैसे बोल देते हैं। मैं आपको एक उच्चारण का शैली भी सिखा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, ये सब नोट करते चलना। द तब बोलेंगे ऐसे लिखना, द तब बोलेंगे ऐसे लिखना, द तब जब कॉन्सोनेंट साउंड हो इसके साथ लगने वाले, ठीक है, ओके, जो लगेगा। दी तब बोलेंगे जब वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दी तब बोल सकते जब इम्फेसाइज करना बहुत जोर देना, ये नोट करके आप रख लेना, ठीक है, इतना ही ज़्यादा जरूरी नहीं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, ये उच्चारण में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर बहुत सारा सा पेज है, ठीक है। देखो सबसे पहले कि देखो यहाँ पर जब स्पोकन इंग्लिश में आप ये चीज़ यूज करते हो तो बहुत काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, कैसे देखो मैं बताता हूँ, ओके। देखो सबसे पहले बात, जब आप बोलते दी एंड तो ये गलत है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता दी एंड, प्रोनाउंसिएशन होता क्या दी, तो सही है दी, और यहाँ पर ए बन जाता है वाई, क्या बन जाता है वाई, दी एंड, क्या बन जाता है दोस्तों ए वाई बन जाता है दी एंड, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो अब यहाँ पर मान लो आप दी के साथ कुछ और लगाना, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो दी एग आप बोल रहे हो, ठीक है, नहीं दी एग मत बोलना, ठीक है, ई किस में बदल जाएगा वाई में, दी एग, दी एग, दी एग, ठीक है। इस तरह के कई सारे आपको वर्ड है जो आपको उच्चारण में ध्यान रखना है, इसे नोट भी करना, ठीक है, ओके। आप हमें बताना कमेंट में इसको इसको दी ऑरेंज पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ध्यान से आप हमें बताना। आपको समझ में आ गया कहाँ पर द दी और दी बोलना है, आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, उच्चारण आप अच्छे से समझ गए। अब आपको समझने की बारी है क्या कि आखिर द दी पी जो होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, ओके, बहुत मस्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं जो बुक समझा रहा है हमें, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द, ठीक है, व्हेन वी स्पीक अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और एनी वन, इसको मिटाना पड़ेगा हमें लगता है, ठीक है, नहीं तब दिखेगा, ठीक है, और वन ऑलरेडी रेफर टू, मतलब क्या, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान सुनो ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताना हमें चाह रहा है कि देखिए भैया, देखिए भैया क्या देखिए, ठीक है, देखिए, देखिए भैया क्या देखिए, दिखाइए, देखो ये हमें बताना चाह रहा है कि देखो कोई चीज़ आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले आप इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे, लेकिन फिर उसके बारे में फिर दोबारा चर्चा कर रहे हो तो द का यूज करोगे। जैसे आई सॉ अ होटल, उसके बाद किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना है द होटल वी सॉ वॉज गुड, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि एक होटल है जो आप होटल, ठीक है, हिंदी में होटल होता है, ठीक है, एक होटल है, ठीक है, जो आपके लिए अननोन है, ठीक है, ओके, और मान लीजिए आप अननोन है, आपका कोई थर्ड मित्र आपको गया वहाँ पर जो है एकदम चपाती, एकदम दाल भात चूरमा, दाल बाटी चूरमा आपको खिला दिया, ठीक है, उसके बाद जो है आप फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हो, आप कहते हो कि
भाई जब आप इस होटल में आ गए तो ये आपके लिए अननोन था, जब पहुंच गए तो आपके लिए नोन हो गया, ठीक है, आप इसको जान चुके हैं। तो किसी अननोन व्यक्ति को फिर आप बताएंगे, कोई थर्ड दोस्त को बताएंगे, तो आप वहां पर दी रेफर करके चलेंगे, दी होटल, ठीक है। अभी तक आप ए होटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा कोई चीज को हम पहली बार रेफर कर रहे हैं तो ए और एन यूज करेंगे, लेकिन दोबारा जब उसको रेफर कर रहे हैं तो हम लोग द का यूज कर रहे हैं, वही ये चीज यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन वन ऑलरेडी रेफर टू, जो एक बार बता दिए हैं फिर उसके बारे में दोबारा चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग दी का या द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो द बुक इज केप्ट देयर, मतलब कि जो किताब हम बाद में चर्चा कर रहे थे वो यहाँ रखा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूँ काइंडली 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 रिटर्न द बुक, अगर मैं बोल दूँ काइंडली रिटर्न द बुक, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना कि यहाँ पर द का यूज का मतलब ये हुआ कि जो किताब हम तुमको दिए थे वो लौटा दो, क्योंकि दी या तब यूज होगा यार यहाँ पर जब कि उस चीज के बारे में ऑलरेडी हम रेफर कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो आई होप कि आप द कहाँ पर लगाएंगे आपको क्लियर हो गया होगा, जो चीज आप पहले से एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा चर्चा करते हैं आपके अननोन में रहता है, नोन हो जाता है, तो द आप लोग वहां पर लगा सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करता है, एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया इस पर प्रश्न, ठीक है। देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर इन ज्योग्राफी, ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर है, मैंने सर जैसे माउंटेन्स है, प्लेटू है, आप हमें बताओ तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, जैसे द हिमालय, द गंगाज, द इंडियन ओशन, ठीक है, इस सबों के पहले द लगाते, ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें कह रहा है, देखो एक चीज आपको बताना चाह रहा है, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है वो देखना, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई साहब अगर हम, कह रहा है हाउएवर इफ रेफरेंस इज टू अ सिंगल आइलैंड और अ सिंगल माउंटेन द इज नॉट यूज, मतलब सर क्या कि अगर रेफरेंस किसके बारे में है, अगर रेफरेंस एक सिंगल माउंटेन के बारे में है या एक सिंगल जो है आपका आइलैंड के बारे में है, टापू के बारे में है, तो उस स्थिति में द मत लगाइयो, मतलब क्या सर, जैसे द कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक कंचनजंगा की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। जैसे देखो द नॉर्थ आंडमान इज अ पार्ट ऑफ द आंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर द नहीं लगेगा, सिर्फ नॉर्थ आंडमान इज अ पार्ट ऑफ द आंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, तो देखो क्योंकि यहाँ पर सिंगल आइलैंड या सिंगल माउंटेन के बारे में चर्चा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर पूरे पार्ट जो है हिमालय जैसे गंगाज यानी कि पूरे उसकी जितने भी रेंजेस हैं उसके बारे में एक साथ चर्चा किया जा रहा था, यहाँ पर हिमालय यूज किया, जैसे द इंडियन ओशन, ठीक है, याद रहेगा दोनों स्थिति में, याद रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए कह रहा है बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, ठीक है, देखो जो दुनिया में अकेला है ये तो आप पता ही पर ही होंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्वेश्चन आने होंगे इस पे आएंगे, ठीक है, नहीं तो नीचे वाले पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि यूनिक चीज के पहले द लगता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, यहाँ पर द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, यहाँ पर द अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद द स्काई, ठीक है। देखो यहाँ पर इन सबों के पहले जो है हम लोग लगाएंगे क्या बोलो, इन सबों के पहले हम लोग द लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में अकेला है, ठीक है, ओके, समझ में आया बातें, ये चीजें याद रहेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर ज्यादा वर्ड नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको बस एक आइडिया ले लेना है, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री विच सॉ फेडरेशन, ठीक है, वैसे कंट्री का नेम के पहले लगता है आर्टिकल जो कि एक फेडरेशन मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है दोस्तों, एक फेडरेशन, ठीक है, तो मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो है और सब कंट्री के पहले नहीं लगेगा था, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे में फेडरेशन नहीं है, जैसे कि सर मैं अगर आपसे बात करूँ इंडिया, तो द इंडिया नहीं लगा सकते, तो मैं चिल्ला कर बोलूंगा द के साथ इंडिया लगाओगे, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, पागल हो गए हो क्या, कहोगे जी सर आपका कहना तो बहुत उचित है, ठीक है, कोई नहीं, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि भाई साहब कैसे हो सकता है, बुरा मत मानना, ठीक है, ओके। देखो ऐसे कंट्रीज के नाम जिसमें फेडरेशन कोई संघ लगा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेडरेशन के रूप में है, यूनाइटेड किंगडम एक फेडरेशन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अदर लग गया, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या एक्सेप्शन है, देखो ये जो फेडरेशन दिखाते उसके साथ लगते हैं, लेकिन फेडरेशन आपका ना नीदरलैंड दिखाते ना यूज दिखाते, ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ लगेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन है, याद रखना, द नीदरलैंड्स अगर दिखाया जाए तो समझ मत प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स, मतलब कि धर्म के पहले, ठीक है, और कोई भी आपके पौराणिक किताब है, ठीक है, उन सबों के पहले लगता है द, कोई बुक है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई जर्नल्स है, ठीक है, जैसे द बाइबल एक किताब है, द दैनिक जागरण आपका न्यूज़पेपर है, द इंडिया टुडे, ठीक है, ये सब आपका क्या है, एक न्यूज़पेपर है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़ के पेपर के पहले द लग सकते हैं, कोई धर्म है उसके पहले लग सकते हैं, कोई मैथोलॉजिकल आपके बुक्स हैं उसके पहले लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इसे भी काट देना, ठीक है, ओके, मतलब पढ़ना ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान, मतलब कम ध्यान देना, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, ठीक है, ओके, एक मिनट, कितना है भाई साहब, ठीक है,
हाँ देखो सुनो, आगे कह रहा है ध्यान समझना कि जैसे कि देखो कह रहा है सुपरलेटिव्स के पहले द लगता है, मतलब कि जैसे कि आप सुपरलेटिव डिग्री देखो, गुड बेटर और बेस्ट, ये आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम द बेस्ट, आप ऐसा मत लिखना आई एम बेस्ट, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे बेहतर है, ठीक है, किसी निश्चित रूप से। ही इज द क्लेवरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी लग गया द, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ दिखे, उसके बाद द आता है, और उसके बाद दोस्तों आता है सुपरलेटिव डिग्री, इस पे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ द बेस्ट गाइस, ठीक है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आने के बाद आपको आ जाता है नाउन, वो भी प्लुरल में, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ आएगा सिंगुलर में, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बीबीआई है कि वन ऑफ के बाद द आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन प्लुरल आएगा, उसके बाद वर्ब उसमें लगेंगे सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है बातें। ये जितना अच्छा से ध्यान रखिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाओ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो वन ऑफ के बाद द लग गया, उसके बाद बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और बॉयज नाउन प्लुरल है, ठीक है, वर्ब किसके साथ आएगा, इसके साथ सिंगुलर आएगा, ठीक है, क्लियर है बातें। ये चीजें आप जितना जल्दी समझ लो, जितना जल्दी ध्यान में रख लो, उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है, ओके। देखो जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, उस समय सारा रिकॉल होगा और आपको याद हम दिलवाते जाएंगे कॉमन एरर के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हम आपको हर एक पर्सन से आपको अवगत करवाएंगे, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। आप लोग यार साथ नहीं देते, 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हम कुछ आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यार अपना भाई रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम आपको अच्छे वीडियो मिलते हैं, ठीक है, हम बरगलाने की कोशिश नहीं करते, हम आपको ये नहीं कहते कि मेरा कोर्स ले लो सबसे बेहतरीन है, मैं ये कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, किताब से बेहतरीन टीचर भी नहीं होता, ठीक है। आप ये कहावत सुने होंगे ना कि एक किताब जो है हजारों शिक्षक पैदा कर सकते हैं, क्या एक किताब हजारों शिक्षक पैदा कर सकते हैं और एक शिक्षक हजारों किताब लिख सकते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई एडवर्ब जो है वो कंपरेटिव डिग्री के रूप में यूज किया गया है, तो उसको हम लोग दोस्तों उससे पहले लगाएंगे दोनों तरफ द, यानी कि द जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मोर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, मेरियर एडवर्ब के रूप में, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, द मोर द मेरियर, ठीक है, जितना अधिक हो उतना ही खुशी की बात, द सूनर द बेटर, ठीक है। देखिए दोनों स्थिति में आपको ध्यान रखना कि एडवर्ब को कंपरेटिव की तरह यूज किया गया, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, ठीक है, जितना ऊपर आप जाओ उतना ही ठंड होता है, ठीक है, इतना चीज है, ठीक है, ओके। द माइंड इज द माइंड इज रेस्टलेस, बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, ठीक है, जितना इसको देंगे आप उतना ही मांग करेगा, ध्यान रखना। पैरेलल कंस्ट्रक्शन में एडवर्ब के उसमें द का प्रयोग दोनों तरफ होता है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। आगे बात कर रहा है बिफोर टर्म्स डिनोटिंग नेशनलिटी कम्युनिटी एंड कास्ट, ठीक है, ये कोई काम का है नहीं लेकिन फिर भी समझ लो, कोई कास्ट है, कोई जाति है, राष्ट्रीयता दिखाना है, ठीक है, उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडियंस, द हिंदूज, ठीक है, ओके। और कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ठीक है, उसमें भी हम लोग द लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण है मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, जैसे कि द द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, बताना क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, द गल्फ वॉर, ठीक है, इन सबों के पहले द लगाते, ठीक है, क्योंकि ये कोई निश्चित हिस्टोरिकल इवेंट है इस वजह से, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ओके। आगे बात करते, लगता है हमें इसे मिटाना पड़ेगा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिटा देते, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ओके, एक मिनट दोस्तों समय दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए हाँ ओके। तो आगे हम जो बात कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, ओके, देखो अब यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आपका लगता है दोस्तों द का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी यार आप ए एन और द पढ़ रहे हैं, सब इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रेजेस, ठीक है, और ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ये लिख लेना कि इसमें ज्यादा आपको किस पर ध्यान देना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, सर ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, हम लेक्चर धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों जो है इसमें आपको फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो यूज किए जाएंगे, जो हम आपको दिए हैं कम्युनिटी टैब में वो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंटेबल और अनकंटेबल पे आधार पे पूछा जाता है
तीन ही प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसी तीन को रटना है, बाकी ये सब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, आपका अभी काम है सारा को पढ़ना, ठीक है। तो कोई भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों, द आई कैन प्ले द फ्लूट वेरी वेल, उस्ताद बिस्मिल्ला खान प्ले द, ठीक है, वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्या बनाते हैं, सानाई, ठीक है, ओके। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट प्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, ओके। एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं कब, जब वो किसी एक पार्टिकुलर वर्ग की बात कर रहा है, जैसे द रिच माने अमीर लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पर द लग गया। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर पार्टिकुलर किसी निश्चित गरीब लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या है, एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक क्लास ऑफ पर्सन में, रिच द रिच का मतलब कि अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द रिच और द पुअर लग जाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाई द यंग्स, ठीक है, द यंग्स का मतलब यंग लोग, द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग, यानी बूढ़े लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए हम लोगों को, सही बात है, ठीक है, ओके। अब देखो कह रहा है कि जो बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम लोग दोस्तों यूज कर सकते हैं द का प्रयोग, जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब क्या कि मीटर के हिसाब से किसी निश्चित यूनिट है एक, इसके हिसाब से बेचा जाता है। बनाना जार सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, इसमें भी आपको लगाना है बाय द डजन, ठीक है, इसको में द, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग हाफ अ डजन लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ अ किलो भी लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, हाफ अ डजन, हाफ अ किलो। अच्छा, जो भी छूट रहा है, जो इस किताब में मेंशन नहीं है, यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास रखिए, जब हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर कराएंगे उस समय सब आपको रिकॉल करा देंगे, ठीक है, एक भी चीज आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप समझ में आ रहा है ना तो अपने भाई को सब बढ़ाने के लिए एक कॉमेंट जरूर करना, ठीक है, ओके। यकीन मानिए आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, आपका आर्टिकल्स एडजेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब प्रैक्टिस कराओ ना तो और मजा आएगा आपको देखना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, बिफोर अ कॉमन नाउन, ठीक है, टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, कोई कॉमन नाउन है उसको सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बकवास है ये, कोई काम का नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए उसके बाद कह रहा है बिफोर द एडजेक्टिव, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ, कह रहा है बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड हॉल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ, ठीक है। देखिए क्या किया जाता है कि ऑल और बोथ के लिए अगर हम दोस्तों यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ यस्टरडे, माने सेम का मतलब वही व्यक्ति, ठीक है, एक वही पार्टिकुलर, यानी सेम का अर्थ यहाँ पर इसके लिए यहाँ सेम लगा, इसके पहले द लग गया, किसी पार्टिकुलर निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है, जैसे द हॉल क्लास परफॉर्म स्प्लेंडिडली, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म किया, जैसे ऑल द बॉयज, यहाँ पर जो है दोस्तों सम और हॉल, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑल और बोथ के बाद लगाया जाता है, ठीक है, ओके। जैसे ऑल द बॉयज पास विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ओके, ये पॉइंट, और बोथ द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ओके, समझ में आया बातें। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते, ठीक है। देखो अब दोस्तों क्या है कि हम लोग कॉमन नाउन को जो है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देना चाहते हैं, भाववाचक इसको संज्ञा बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द मॉरलिस्ट और इन गांधी रिवोल्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर द जज का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसमें वो जो है मतलब उस चीज़ का उजागर हो जाना, ठीक है, मतलब उस चीज़ का ख्याल उसके दिमाग में आ जाना और अच्छे नैतिक काम पे चला जाना, तो ये भाव, उस चीज़ का भाव दिमाग में आ जाना, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बन जाता है, जब किसी चीज़ का भाव आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा तो उसके पहले आप लगा सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, किस चीज़ को द का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं द जज इन हिम, उसमें उसके अंदर में जो जज था, उसका अंदर का जो जज था वो जग गया और वो अपने बेटे को डेथ का सेंटेंस दे दिया, जबकि उसका बेटा गिल्टी था, ठीक है, ओके। और कोई कप है या ट्रॉफीज है, ठीक है, उनके पहले द लगता है, ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा, गेम्स के पहले द आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कप और ट्रॉफी के पहले तो हो ही सकता है ना, जैसे श्रीलंका हैज वन द एशिया कप, ठीक है, मैंने श्रीलंका कोई पार्टिकुलर एशिया कप जीता, ठीक है, उसके बाद द ओलंपिक्स यहाँ पे भी आपका लग गया, ठीक है, क्लियर है बातें। उसके बाद दोस्तों आप जो है बिफोर कंपरेटिव डिग्री इन केस ऑफ च्वाइस, जैसे कि कोई च्वाइस की बातें हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ही इज द स्ट्रॉगर ऑफ द टू फ्रेंड, दो दोस्त है उसमें से एक कोई है स्ट्रॉगर है, इसलिए आपका क्या है कि यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि ये चीज़ें क्लियर हो गया आपका, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा दोस्तों कॉपी करना है, नोट करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन सबों में महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है, देखो ये जो आप देख रहे हो ओ नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ओके।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें उतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बस एक बार हमको रीड करना, और हमें अपने रीड करने के बाद ये जो किताब इतना मोटा है, इस मोटा में भी कुछ छोटा होगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप इतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, ठीक है, और एग्जाम में आएगा आप करके आओगे, लेकिन बेसिक क्लियर रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, और उसका एक अध्याय हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन में भी लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे प्रैक्टिस जरूर करना, इसके बाद जो सेशन आएगा वो प्रैक्टिस पे सेशन होगा, उसको करना मत भूलना।